नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बांका लोकसभा सीट का आपको हाल बता दूं, सुबह के 10:30 बजे हैं। 10:30 बजे बांका लोकसभा सीट से जदयू के कैंडिडेट गिरधारी यादव को 19,222 वोट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट जयप्रकाश यादव को 11,947 वोट और पुतुल देवी जो यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही उन्हें 2,938 वोट, यानी तकरीबन 7,275 वोटों से गिरधारी यादव आगे चल रहे हैं। जब 2014 में मोदी लहर थी, उस लहर में जयप्रकाश यादव आरजेडी के कैंडिडेट यहां से चुनाव जीतने में सफल हो गए थे, लेकिन इस बार यहां पर फिलहाल 10:30 बजे तक की काउंटिंग में बांका से जेडीयू के कैंडिडेट गिरधारी यादव 19,222 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि पुतुल देवी के चुनाव लड़ने से यहां पर जदयू और बीजेपी का वोट कट सकता है, लेकिन जो अभी तक के चुनाव रुझान सामने आ रहे हैं, जितने वोटों की अभी तक काउंटिंग हुई है उसमें अगर आप पुतुल देवी और जयप्रकाश नारायण यादव के वोटों को जोड़ भी देंगे तो भी उतने वोट नहीं होते जितने जेडीयू के गिरधारी यादव को अभी तक मिले हैं। लगभग वो 7,275 मतों से आगे चल रहे हैं, पुतुल देवी को सिर्फ 2,938 वोट मिले हैं। तो बांका से इस वक्त की बड़ी खबर, 10:30 बजे तक की काउंटिंग में बांका लोकसभा सीट से जेडीयू के कैंडिडेट गिरधारी यादव 7,275 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। आगे भी आपको इस सीट का हम हाल बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी देखते रहें। हर एक वीडियो, हर एक अपडेट, हर एक पल का लोकसभा चुनाव का परिणाम बदल रहा है सबसे तेज लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।